बमल अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आप सबको उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे खुश रखे आबाद रखे और अभी इस वक्त जो है ना मैं कर रही हूँ नाश्ता और आज नाश्ता हो रहा है तकरीबन ग्यारह बजे अच्छा लेट नाश्ता मैं करने की वजह ये कि ये मेरी दूसरी शिफ्ट है यानी कि एक मॉर्निंग में सबके साथ मैं नाश्ता कर चुकी थी सिंपल सा ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा बटर लगा के खाया था और इस वक्त मुझे इतनी शदीद किस्म की भूख लग रही थी कि फिर मैंने सोचा कि अभी जो है ना अपने लिए एक सैंडविच बना लेती हूँ शामी कबाब रख कर और साथ चाय बना लेती हूँ तो ये मेरा लंच भी हो जाएगा और ये दूसरा वाला नाश्ता भी हो जाएगा क्योंकि बहुत शदीद भूख लग रही थी नाकबले बर्दाश्त और इस तरह की भूख में कोई फल फ्रूट खाने को दिल नहीं करता आपका फिर जो दिल करता है वही खाना चाहिए यहाँ पर मैं मैरिनेट कर रही हूँ चिकन को बटर चिकन बनाने के लिए तो यहाँ वन एंड हाफ़ के जी चिकन लिए एक टेबल स्पून भर के लहसन अदरक का लिया चार से पाँच टेबल स्पून दही के लिए एक टेबल स्पून तिक्का मसाला लिया वन टी स्पून लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून हल्दी का पाउडर और वन टी स्पून इसमें मैंने गर्म मसाला पाउडर ऐड किया है थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक अभी मतलब इतना ज़्यादा नमक नहीं जितना चिकन है उस हिसाब से थोड़ा कम ही नमक रखना है क्योंकि बाद में भी ऐड होगा तो बहुत ज़्यादा नमक ना हो जाए और यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाल देनी है बस इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना पहले तो मैं चम्मच से कर रही थी लेकिन उसको मैं हाथ से करूँगी आप चाहें तो बोनलेस चिकन का कर इस्तेमाल करें मेरे पास ये बोन्स वाली थी तो मैं इसी के साथ बना रही हूँ इसको मैरिनेट करके रखूँगी मुझे जाना है बाज़ार और छोटे मोटे बहुत से काम हैं जो कि अक्सर रह जाते हैं वो करने हैं तो क्या है कि इसको मैरिनेट करूँगी वापस आके इंशाल्लाह इसको फिर हम बनाएंगे अच्छा तो मैं और मम्मा जा रहे हैं अभी बाज़ार और हम दोनों के लिए जा रहे हैं साथ में ठीक है अकेले हम दो जा रहे हैं <laughs> मतलब हम दोनों सिर्फ जा रहे हैं और घर का कोई बाशिंदा नहीं जा रहा हमारा अभी हम बेम के गेट बंद के बहन अभी हम देख लेंगे ठीक है बस चलते हैं पीछे इतना ज़्यादा शोर चल रहा है कि बिकॉज हेडफोन उतार के ये कर लो वो कर लो ठीक है अभी ओ माय गॉड अभी हम चलते हैं फ्लैश हो शो भी चलते ऑन नंबर वन ब्लागर मरियम रशीद गेट खोल दिया है ठीक है बाइट निकल गए हैं ठीक है इस तरह से बाहर तो खूबसूरती अच्छा लग है बाहर तो इतनी अच्छी लाइटिंग आ गई है देर हो रही है हम चल रहे हैं हम रक्षे पर बैठेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी हम यहाँ पे खड़े हुए हमें रक्षा नहीं मिल रहा है कोई तो हम आ गए यहाँ कमर्शियल मार्केट और यहाँ पर बच्चों की बहुत सारी कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं पोनियाँ कोई कैचर कभी क्या कभी क्या मतलब वो अक्सर ही रह जाती हैं और याद ही नहीं रहता फिर वो लेनी थी और तो कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी थी कुछ छोटी मोटी सी और भी चीज़ें यहाँ पर हम आ गए थे कुछ ड्रेसेस वगैरह देख रहे थे फिर या मुझे आमना के कानों में डालने के लिए बिल्कुल बिल छोटे वाले बारीक वाले टॉप्स चाहिए थे वो लेने थे क्योंकि अक्सर उसके उसने जो सेकेंड वाले कान छिदवाए हैं ना तो उनमें से निकल जाता है तो बस तो वो उसके लिए मैंने फिर तीन चार इकट्ठे मैंने सोचा कि ले लूँ छोटे छोटे बिल्कुल बारीक गोल्ड के भी हैं लेकिन वो भी उसने एक जो है ना वो गुम कर दिया कर नहीं ये, ये कलर नहीं लिया उसने ये कलर लिए तकरीबन वैसे मैंने सारे रखे कलर। सारे मतलब ये रेड हो तो नहीं ये।, आ, ये, अच्छा। जी? चले एक ये भी कर दे कितने हो गए चार सौ चालीस

और बस छोटी मोटी जितनी भी चीज़ें लेनी थी जो कुछ लेना था वो हम ले चुके थे उसके बाद जो है ना मरियम जब कॉलेज से आई थी उसने कुछ भी नहीं खाया था और मैंने भी वही ग्यारह बजे सैंडविच खाया था तो अब इस वक्त बहुत शदीद किस्म की भूख लग रही थी साढ़े पाँच बजे का टाइम था और बहुत भूख लग रही थी तो बस हम आगे थे रिफ़्रेशमेंट सेंटर यहाँ पर हमने मंगवाएं गोल गप्पे समोसा चाट फ्राइज़ और मरीम के लिए जिंगर ऑर्डर किया था जो कि अभी आ रहा था और ये थे गोल गप्पे अच्छा गोल गप्पों में इतनी ज़्यादा मीठी चटनी डाल दी थी और मुझे भी कहना याद ही नहीं रहा था कि मीठी चटनी ना डालें तो बोलना चाहिए था ना क्या मीठी चटनी ना डालें

तो बस सारे काम हमारे हो गए थे और अब देखें रात हो गई है शाम यानी कि मगरब की अज़ानें तो हो चुकी हैं अब अंधेरा हो गया है आजकल अब मौसम ज़ाहिर तब्दील हो गया है दिन छोटे हो गए हैं एकदम से अंधेरा हो जाता है पाँच बजे साढ़े पाँच बजे तक तो अंधेरा हो जाता है और इस वक्त भी तकरीबन साढ़े पाँच बजे का टाइम है तो बस अब हम जा रहे हैं घर और उसके बाद जो है घर जाऊँगी घर जा बनाऊंगी खाना क्योंकि चिकन मैरिनेट करके आई थी तो बस दो घंटे में हमारा काम हो गया था और फिर घर वापस आए तो घर आके थोड़ा सा रेस्ट किया नमाज पढ़ी चाय शाय पी अब मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ सबसे पहले ना मैं बना रही हूँ मीठा और ये कैरेट और गाजर और सवैयों का मीठा है और बहुत मज़े का बनता है यहाँ पर मैंने पैन के अंदर ले लिया है दो टेबल स्पून मक्खन और इसमें एक ये जो कस्टर्ड खाने वाले प्याली होती है ना ये एक भर के लिए ये एक कप भर के कश की हुई गाजरे ले ली हैं और इनको मैं अच्छा सा ज़रा इसमें फ्राई कर लूँगी आप चाहें तो मक्खन कम भी रख सकते हैं यानी कि अगर आपको लगता है कि ऑयली ऑयली ज़्यादा हो जाएगा तो आप मक्खन की उसको कम कर ले मकदार को बस आपने इसको चम्मच चला के अच्छे से कुक करना है तकरीबन दस से पंद्रह मिनट और यहाँ मैंने दूध एक लीटर रख लिया था चूल्हे के ऊपर और एक लीटर और एक कप और ये डिब्बे का दूध था उसमें मैंने पाँच से छः इलायची के दाने निकाल के पीस के डाल दिए जब ये गाजरें हो गई तो मैंने उसके अंदर ही वो भी डाल दी और दूध को आ, मीडियम लो फ्लेम पर पकने के लिए रखा हुआ है ठीक है उसके बाद इसी पैन के अंदर इतनी ही मैं लूँगी सवैयाँ जितनी मैंने गाजरें लिए उतनी सवैयाँ और इसमें भी मैंने तकरीबन हाफ टेबल स्पून बटर का डाला है इसको भी मैंने अच्छा सा रोस्ट कर लिया और उसके अंदर फिर दूध के अंदर ये सवैयाँ भी डाल दी हैं पहले गाजरें करके डालनी है और फिर उसके बाद सवैयाँ रोस्ट करके अच्छे से डाल देनी है और फिर इसको हमने पकाना है तकरीबन जब इसमें उबाल आ जाएगा ना अभी इसमें दूध में उबाल आ रहा है तो उबाल आने के बाद तकरीबन पंद्रह मिनट तक फिर मैं स्लो फ्लेम पे इसको पका लूँगी और यहाँ पर एक कप चीनी डाली है मैंने आप चाहें तो चीनी को कम भी कर सकते हैं ज़्यादा भी कर सकते हैं जितना मीठा आपके घर में खाया जाता है जितना आपको पसंद है उतना डाल दीजिएगा मैंने यहाँ पर तकरीबन एक कप मीठा डाला है और इसको जो है ना अभी चलाते रहना है मीठा इस तरह का दूध वाला हो तो उसको तो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना होता क्योंकि एकदम से उबाल के बाहर गिर जाता है और दूसरा ये कि ये तो खैर नॉन स्टिकस इसमें लगेगा नहीं लेकिन लगने का भी डर होता है दूसरे किसी बर्तन बना रहे हो तो बस इसमें चम्मच चलाते रहे हैं और अब ये काफ़ी थिक हो गया है और ये ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक हो जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा कुक करने के बाद इसका चूल्हा बंद कर दिया और यहाँ पर अब ये जो है ना एक कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाला फिर ये जो चिकन को मैरिनेट करके गई थी ना ये वाली चिकन इस तरह से फैला के डाल दी है ताकि इसकी जो है ना इसको अच्छा सा हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है ये जो बटर चिकन होता है ना ये असल में एक्चुअल रेसिपी में लेफ़्ट ओवर चिकन टिक्का से ही बनाया जाता है तो इसलिए इसको फिर हमें चिकन को चिकन टिक्का की तरह ही पकाना होता है पहले और फिर इसको बनाना होता है तो यहाँ पर अब ये थोड़ा मीडियम हाई फ्लेम पे पकाना है ताकि ऐसे पानी ना इसका बहुत ज़्यादा निकले तेज़ आंच पे करके और इसको बोटियों को पलटते जाना है और अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाएगा यानी कि ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगी तो फिर हमने इनको निकाल लेना है तो यहाँ पर इसकी साइड्स मैंने पलट दी थी बार बार उसको चेक करना है पलटते रहना है बहुत ज़्यादा इस तरह से ऐसे चमचे नहीं मारने के बोटियाँ टूटे ना बस अच्छे से साबुत रहे तो बस यहाँ ये जब हो गई ना बोटियाँ अच्छे से फ्राई हो गई हैं तो इनको मैं निकाल लूँगी और फिर इसी के अंदर जो है ना पैन के के अंदर हम इसका बाकी का मसाला भी तैयार कर लेंगे क्योंकि फ्लेवर सारे मसाले के इसी के अंदर हैं तो मैंने जो प्याज अभी आपको दिखाए थे ना वो प्याज मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं थोड़ा सा एक से दो मिनट के लिए प्याज को इसमें मैं पकाऊंगी थोड़ा सा ये हल्का सब्ज जैसे सॉफ्ट होगा बहुत ज्यादा नहीं कुक करना तो अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है तकरीबन चार से पाँच टेबल स्पून बटर के अब बटर चिकन में बटर तो मस्ट डलता है और जो इसका फ्लेवर आता है ना बीच में मक्खन का तो वो बहुत मजे का आता है तो यहाँ पर थोड़ा सा मक्खन भी डाल दिया ऑयल वही वाला है जो पहले मैंने डाला था ना वही ऑयल है और यहाँ अब एक टेबल स्पून भर के इसके अंदर लहसुन और अदरक पिसा हुआ वो भी डाल दिया है और इसके अंदर जाएंगे टमाटर जो अभी मैंने आपको दिखाए थे ये भी मैंने स्लाइसिस में करके पतले पतले स्सेज़ में कर, करके डाल दिए हैं और इसको भी थोड़ा सा पकाएंगे सॉफ्ट होंगे टमाटर यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हाफ कप पानी का ताकि ये जो टमाटर और प्याज है ना ये थोड़ा सा नरम हो जाए और इसके अंदर एक टी स्पून मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर का फिर वन एंड हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर का डाला है एक टेबल स्पून भर के ज़ीरा पाउडर का इसके अंदर जाएगा और ये सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं अभी साथ ही क्योंकि मैं इसको सारे मिक्सचर इस, uh, को जो है ना ब्लेंड कर लूंगी यहां पर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी बादाम आपके पास अगर uh, काजू है ना तो वो डाले मेरे पास नहीं थे तो मैंने बादाम ही डाल दिए सेम ही मुझे तो लगता है टेस्ट आता है अक्सर ऐसे ही होता है कि मैं अगर वो ना हो तो बादाम डाल देती हूँ ना हो तो काजू डाल देती हूँ लेकिन उससे कोई फर्क कितना नहीं पड़ता ग्रेवी इसकी फाइन सी अच्छी सी होनी चाहिए ऐसे स्मूथ सा टेक्सचर जो है ना वो होना चाहिए तो अब बादाम मैंने अभी सार डाल दिया अब चाहे तो अलग से बादाम को पानी के साथ ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लें फिर ये सारा जो मिक्सचर था इसको मैंने निकाल के ब्लेंडर में पहले मैंने नीचे डाला है पानी अब ये बहुत ज़्यादा गर्म तो कभी भी ब्लेंडर में आप मत डालें लेकिन जल्दी हो तो ठंडा पानी जो है ना ब्लेंडर में नीचे मैंने पहले ठंडा पानी डाला है तकरीबन एक कप के जितना और फिर ये सारा मसाला डाल के ना मैंने उसको ब्लेंड कर लिया है फिर भी वो हीट तो होती है ज़्यादा गर्म होता है लेकिन थोड़ा मुझे तो अब जल्दी भी खाना भी बनाना था और थोड़ा सा पानी मिक्स करके वो भी डाल दिया फिर यहाँ मैंने नमक डाला है और अब ये जो चिकन था फ्राई किया हुआ ये सारा चिकन इस ग्रेवी के अंदर डाल दिया है इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी और फिर मैं इसको अच्छा सा पकाऊंगी खाली बोनलेस चिकन नहीं है ना ये वो बोटियाँ थोड़ा सा जल्दी भी गल जाती हैं अब ये बोन्स वाला है बोटियाँ भी थोड़ी थोड़ी सी बड़ी हैं तो यहाँ इसके अंदर मैं इसको डाल के कुक करूँगी अच्छे से ढक्कन ढांप के ताकि ये थोड़ा सा जो अपना पानी है इसका चिकन का भी वो भी निकलेगा और उस पानी में ये अच्छे से गल जाएगी तकरीबन दस मिनट के लिए मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया था अच्छा जी फिर उसके बाद जो है इसके अंदर मैं डाल रही हूँ एक ये जो टेट्रा पैक क्रीम आती है ये पूरा डिब्बा डाल देना है अच्छे से मिक्स कर देना चाहे तो घर की जो फ्रेश भलाई होती है ना वो भी डाल दें उसको अच्छे से बीट कर लें थोड़ा सा तो वो भी डाल दें टेस्ट फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है दोनों तरीक़ों से अच्छा आता है कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये डिब्बे वाली डाल दें मेरे पास अभी वो फ्रेश वाली नहीं थी ऐसी थोड़ी फ्रोजन थी तो थोड़ी सी मतलब जैसे ताज़ा ताज़ा उतारी हुई हो ना तो वो हो तो वो डाल दें बस मैं इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी बटर चिकन हमारा हो गया तैयार आखिर में बस इसके ऊपर सूखी मेथी डालूंगी और फिर उसके बाद जो है ना इसको हम खाएँगे इन नान के साथ तो बस अब भी थकी हुई मैं बहुत ज़्यादा थी थोड़ा होता है ना चलने से बाजार में काफ़ी हम घूमते घूमते उस वक्त तो पता नहीं चलता जब घर आते हैं तो फिर थक के हारे हुए होते हैं लास्ट में मैंने सूखी मेथी डाल दी ये मेरा जो थी गाजर और सवैयों की खीर भी तैयार होगी हमारा बटर चिकन भी रेडी हो गया थोड़ी सी क्रीम बचा के ऊपर डाली थी वो ज़रा बहुत ही गंदी सी डल गई है मुझसे ज़्यादा थिक थिक हो गई है तो चलें बस यही प्रेजेंटेशन थी आज की और अच्छा अगर आप चाहें ना तो ये इसके ऊपर से डिजर्ट के ऊपर से ये जो लास्ट में ऊपर आ जाता है ना मक्खन सारा इकट्ठा होकर तो आप इसको उतार सकते हैं आपकी अपनी चॉइस है चाहें तो ऐसे ही कोई इसमें वो नहीं है आप ऐसे ही सर्व कर दें ऊपर लास्ट में मैंने बादाम डालने थे लेकिन मैं बिल्कुल भूल गई बस ये हमारा आज का खाना और आपसे चाहूँगी इजाज़त दो में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़